ये वाइपर कैसे है? हाँ, excuse me, मुझे पता नहीं है, sorry. तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा, तुम्हारी दुकान है, बताओ कितने का है? अरे नहीं मैम, मैं आपको वाइपर वाली लग रही हूँ क्या? मेरा नहीं है ये, मुझे नहीं पता. प्लीज ड्रामे मत करो, सच में बताओ कितने का सामान है, मुझे निकलना भी, इतना टाइम नहीं है फालतू मेरे पास. ठीक है मैम, बिना मतलब बहस करके ना अपना और मेरा टाइम तो वेस्ट मत करिए, प्लीज चलते बनी यहाँ से. हेलो महक, इसकी इतनी हिम्मत कि तुमसे बदतमीजी से बात करे, तुम्हें अकड़ दिखा रही है. और हाँ, दूसरी चीज ये कि दुकान पे खड़ी है तो ऑब्वियसली इसी की दुकान है ना, इससे प्राइस नहीं पता. एक्चुअली में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे एटीट्यूड दिखा रही है, इसे लग रहा है तो इसे मुंह तोड़ के जवाब नहीं दे सकती. ओ मैम प्लीज, इसे ना भड़काना बंद करिए, अपना काम करिए, समझी तुम? वो क्यों मुझे भड़काएगी? और तुम किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? तुम पता भी है मैं कौन हूँ? देखो ड्रामा मत करो, मुझे सामान बताओ कितने का है, मुझे जाना भी आगे. और देखिए मैम प्लीज जाइए, अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए. मैंने बोला मुझे नहीं पता तो समझ में नहीं आता क्या एक बार में आपके? तुम क्यों कर रही हो ये ड्रामा? हाँ अच्छा, शायद तुम्हें शर्म आ रही है हम दोनों के सामने, ये गरीब गरीब जो तुम हो वो दिखाने में शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? अरे भला मैं क्यों गरीब होंगी, मैं बहुत अमीर हूँ. अमीर हो दिख रहा है, ये ठेले का पूरा मिला के कितने का होगा? ओ प्लीज अब जाइए, ठीक है? मेरा दिमाग मत खराब करिए, वैसे मेरा बहुत दिमाग खराब है अभी. लिसन, दिमाग तुमने मेरा खराब किया है. प्यार से फोन में कहाँ देखो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, बता क्यों नहीं रही हो? हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे मेरी फ्रेंड पे हाथ उठाने की? तेरे ना हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझ में? और मैं इसकी इतनी हिम्मत कि तेरे सामने इतनी जुबान चला रही है, इसकी ना जुबान खींच के इसे हाथ में दे दे कुत्तों के आगे. तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? तुम लोगों को पता है मैं कौन हूँ? हेलो, एक मामूली से दुकानदार है, समझ में? और हाँ, तेरी हिम्मत हुई है, पहले तूने बदतमीजी स्टार्ट किया, तूने महक पे हाथ उठाया, दैट्स व्हाई उसका जवाब तो देना ही था ना. मैंने क्या हाथ उठाया? मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना फोन चला रहा हूँ, उसने मेरा फोन छीना, ये बदतमीजी करी मेरे साथ. अच्छा तो तुम्हें लगता है तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो कुछ गलत नहीं किया है ना? मैंने गलत नहीं किया, मैंने अपने आप को बचाने के लिए हाथ उठाया, तुम बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ. ठीक है मतलब लो, मुझे भी कुछ गलत नहीं लगा, मुझे भी बिल्कुल लग रहा है कि मैंने ठीक किया है, कुछ गलत नहीं है ना इसमें? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे हाथ उठाने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मेरी पोस्ट क्या है? मैं तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, तुझे पता होता ना ये बदतमीजी करती ना तू मेरे साथ, और तू खुश रहे कि मैं कहते थे तुझे यहाँ खड़े होने दिए, वरना अगर एक बार ने पति को बोला ना ये ठेला जो है तेरा यहाँ पे दोबारा दिखेगा नहीं. अच्छा कहीं की तोप हो तुम, ये तुम्हारा पति कहीं का तोप है? हाँ जो तुम यहाँ मुझे धमकी दे रही हो सारे यहाँ, तुम्हें पता है ना इसके जुर्म में तुम अंदर भी जा सकती हो जेल के. और ये लॉज मुझे मत सिखाओ, तुमसे अच्छे से बताए मुझे कि कानून क्या होता है क्या नहीं, समझी? देखिए हाँ, आपने हद से ज्यादा बदतमीजी करी है, अब तो मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा. एग्जैक्टली, मुझे भी पुलिस को यहाँ पर बुलाना चाहिए. पुलिस को क्यों, मुझे तो अपने हस्बैंड को यहाँ पर बुलाना चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ही पुलिस वाला है. और काइंड इन्फॉर्मेशन पहले मुझ पर हाथ तुमने उठाया है. अच्छा, कंप्लेंट तुम्हारे अगेंस्ट होगी, मेरे अगेंस्ट नहीं. यहाँ बदतमीजी किसने करी? सामान का रेट पूछा, मुझे नहीं पता, मैंने प्यार से बोला, मैं अपना फोन चला रही हूं. प्लीज अब अपना ये ड्रामा बंद करो, वी नो कि तुम्हारा ही स्टॉल है और पागल मत बनाओ हमें. मैं अपने मुंह से मना कर रही हूँ, मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता. एक्चुअल में ना अब इसका ना बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इसका सामान उठा के यहाँ से फेंक देना चाहिए. वो नहीं कम, मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ. तुम्हारी हिम्मत थोड़ा सामान छूनेगी? तुम्हारी हिम्मत किस वजह से थप्पड़ मारने की? तुम्हारा बहुत हो गया, मैं अभी अपने हस्बैंड को यहाँ पर बुलाती हूँ. हाँ बुलाओ, मैं अभी देखती हूँ कौन सा हस्बैंड है तुम्हारा पुलिस वाला. हेलो अश्विनी, हमारे घर के बाहर जो सोसाइटी है वहाँ की मार्केट में आ जाओ. हाँ यहाँ पर एक पागल औरत खड़ी जो बदतमीजी कर रही है, मुझ पर हाथ उठाया उसने, तुम आ जाओ प्लीज. और तुझे पता है अभी महक ने ना 200 गज की प्रॉपर्टी लिया जिसपे वो लग्जरी बंगलो बनवाने वाली है. ओह रियली, तो अच्छी बात है, तो लोगों को गाती क्यों फिर रही हो? अरे खुद के दम पे लिया हो तो अच्छी बात है, कमाया होगा तो लिया होगा, भाड़ में जो तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? तुम्हारी सारी अकड़ ना अब मेरा पति आकर यहाँ पे निकालेगा. और तुम्हें पता नहीं है कि तुम जैसे लोग की अकल ठिकाने लगाना मुझे बहुत अच्छे से आता है. मेरा पति ना इस एरिया का इंस्पेक्टर है और यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगते हैं ना मेरे पति के अंडर आते हैं. तुम्हारा ठेला तो गया, अब तुम्हें पता चलेगा तुमने किससे पंगा लिया है. और तुम हमेशा मुझे याद रखोगी. ओ अच्छा, देख लेती हूँ, तुम्हारा पति आने वाला ना अश्विनी, मेरा भी एक ऑफिसर आने वाला था विजय सिंह. हाँ हाँ, तुम्हारा ठेला उठाने आने वाला होगा. हाँ ठेला उठाने वाला है, रोड पर चलते हुए बड़े ही मधुमक्खियाँ भिनभिना रही होती है, उनको उठा उठा के जेल में डालती हूँ मैं भी. वैसे इन जैसों के औकात कुछ ज्यादा ही नहीं भर दिया. माइंड योर लैंग्वेज. ओ हेलो, यू माइंड योर लैंग्वेज. ओके, तुम्हारी जुबान खींच के ना लपेट दूंगी, आ समझ आ गई? तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी? ओ बहन बकवास मत कर, समझ आ गई, ना चटनी बना दूंगी, जानती नहीं तो रूबी पांडे नाम है मेरा. इन गरीबों की ना प्रॉब्लम ही होती है,
थोड़ा सा कमाने क्या लग जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये हमारे लेवल पर पहुंच पाएंगे। लेकिन तुम्हें बता दूं, तुम जितने भी पैसे कमा लो लेकिन तुम्हारा लेवल हमसे ऊपर आने वाला नहीं है, तुम हमेशा हमारे नीचे ही रहोगे गरीब लोगों। अच्छा, तुम्हें मेरे माथे पे लिखा हुआ है कि मैं गरीब हूँ? तुम्हारा होलिया बता रहा है, ये जो बहन जी वाले कपड़े पहन कर आया, आज के टाइम कौन पहनता है? मैंने किसी गरीब को भी नहीं देखा ऐसे कपड़े पहने हुए। तुम पता नहीं क्या आंटी बनकर घूम रही हो, तो आई एम श्योर। अच्छा, तो तुम लोगों ने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे। तुमसे तो अच्छे ही पहने हैं। मैंने तुम्हें जज करा तुम्हारे कपड़ों से, जो तुम मुझे जज कर रही हो। जज करने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना, हमारे कपड़े देखकर मुझे नहीं लगता कोई भी बोलेगा कि मैं गरीब घर से हूँ। लेकिन तुम्हारा हुलिया देखकर मुझे कोई डाउट नहीं है कि किसी को लगेगा नहीं। फुट। हेलो विजय। हां जी मैम। कहां रहेगा अब तक, आए क्यों नहीं फाइल लेकर? गरीबों की भी मीटिंग्स होती हैं। एक्चुअली मैंने ये लोग छोटी मोटी झूठी तसल्ली देके जो पंचायत होती है ना यार, पूरे सर में दर्द हो रहा है मेरे। तेरी शक्ल देख ले ना, तुम्हारा तो पूरा दिन ही दर्द दर्द जाएगा। जूते घिसवा दूंगी, जेल से नहीं निकलोगे दोनों के दोनों, समझी तुम? सीरियसली? इनकी बातें सुनेंगे पुलिस वाले। पता नहीं अश्वनी भी कहाँ रह गया, कब से वेट कर रही हूँ। जाओ मैम, टाइम वेस्ट मत करो अपना। टाइम वेस्ट हमने नहीं, तूने किया है हमारा, अब तेरा टाइम तो मैं। जैन कहाँ रह गए थे आप अभी तक? मैम बस वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। टायर पंचर हो गया था? अरे आपके जूते क्यों नहीं पंचर हो गए? महक तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम कौन है ये? मैम शी इज माय वाइफ। वाइफ? तुम्हारी वाइफ है ये? जरा इंट्रोडक्शन करवाओ मेरा इनसे, इनको बताओ मैं कौन हूँ। ये हमारी IAS ऑफिसर जिला अधिकारी है पूरे जिले। सुनी बताया नहीं तुमने अपनी वाइफ को मेरे बारे में, लगता है। कोई बात नहीं, अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। महक जी आपके बारे में बड़ा बताया आपके पति ने। अरे मैडम आप घर पे आना, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, लोगों की बहुत इज्जत करती है, मुझे पता नहीं था। अरे ये इतनी अच्छी इज्जत तो मैं सड़ेआम रोड पे करवा रही हूँ, लोगों के सामने तमाशा बनवा के अपना। और तुमने बताया नहीं, अभी तो तुम्हारा 2 महीने पहले प्रमोशन हुआ है। हाँ उससे पहले तुमने 200 गज की जमीन भी खरीद ली। सॉरी मैम कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताइए मैम। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रमोशन हुआ है ना। अरे वर्दी ना उतरवा दी ना, मेरा नाम भी रूबी पांडे नहीं है। नहीं मैम मेरा इस वर्दी से घर चलता है मैम, आप प्लीज ऐसे मत करिए। अरे क्या कर दिया मैं? घर तो तुम्हारा तुम्हारी बीवी चलाएगी ना, लोगों पे रोब जमा के, लोगों की बेइज्जती करके, है ना। क्या कर दिया तुमने जो मैम इतना नाराज है? मैम इसकी वजह से मैम मैं सॉरी बोलता हूँ मैम। सॉरी? सॉरी तो मेरे जूते के नीचे है। आपको नहीं पता कि मैंने कितनी रिस्पेक्ट कमाई है, कितनी इज्जत कमाई है लोगों से। सॉरी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन इनकी जॉब मत निकालिए, मुझे नहीं पता था कि आप IAS ऑफिसर हैं। क्या बोल दिया तुमने ऐसा? आज मेरी नौकरी पे बात आ गई, पता भी है कितनी मुश्किल से मिली है नौकरी। IAS ऑफिसर से पहले मैं एक इंसान, और इंसान के पास मौलिक अधिकार है, उस अधिकार में ये होता है किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता मेरे अकॉर्डिंग। तो चलते मैगनेट आप पे हाथ उठाया है सीरियसली? हाँ इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरा फोन छीना, कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी मेरी ग्रुप में। तुम्हें तो मैं घर बताऊंगा मैम इसकी वजह से। घर? हम तो घर ही बैठना। मैम मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ मैम। प्लीज मैम आप मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं अपनी बीवी की वजह से माफी मांगता हूँ, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी मैम। थोड़ी ईमानदारी, थोड़े संस्कार, थोड़ी तमीज अपनी बीवी को भी समझा देनी थी, बता देना था इसको कि लोगों से बड़े छोटों से कैसे बात करते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति सभ्यता है, साड़ी ट्रेडिशनल है, अपने देश के ट्रेडिशनल को फॉलो कर रही हूँ तो क्या दिक्कत है? हाँ क्योंकि तुम वेस्टर्न कपड़े पहनती हो, तुम बाहर की कंट्री को फॉलो करती हो तो तुम बहुत अच्छी हो। अरे मैंने तुम्हें जज किया क्या? तुम्हें क्या पूरी दुनिया में किसी को जज नहीं करती, सबका अपना अपना अधिकार है भाई, कोई कुछ भी पहने, सबकी अपनी मर्जी है। पता है मैम कितनी अच्छी है, कितनी ईमानदारी से अपना काम करती है। पागल तुम किससे भिड़ गई, तुम जानती भी नहीं तुम्हारे साथ क्या हो सकता है अभी मैम। कुछ नहीं होगा, इनको मैं कोई सजा नहीं देने वाली। पता है किसी की गलती की सजा ना उसके अपनों को दी जाती है, उसको देने से कोई एहसास नहीं होगा। अगर मैं इसको जेल बंद करवा दूं, 2-4-6 महीने की सजा दिला दूंगी, कुछ नहीं होगा उससे। बुरा जब लगेगा जब आपकी सजा आपके पति को मिलेगी। पता है ना एक बच्चा गलती करता है सजा माँ बाप को मिलती है, और उसके बाद ही माँ बाप को अकल आती है, है ना। और शायद बच्चों को भी, अरे यार हमने ये तो कर दिया, हमारे मम्मी पापा को भुगतना पड़ेगा, हमसे ये लॉस हो गया, हमारे मम्मी पापा को भुगतना पड़ेगा। अब वैसे आज तुम्हारे साथ हुआ महक, आपने जो किया है उसकी सजा आपके हस्बैंड को मिलेगी। मैम से सॉरी मैम, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी वाइफ की वजह से। आराम से 1.5 महीना घर बैठो। no, फिर मिलते हैं आपसे। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए मैम, नौकरी मैम मेरा घर कैसे चलेगा मैम? मेरे पास टाइम नहीं आपके लेक्चर सुनने के लिए, आपकी बीवी आपका सुने और आप उनको सुनाओ, समझे? क्या करा तुमने, तुम्हारा दिमाग खराब था क्या? वो IAS ऑफिसर थी और तुमने उनके साथ इतनी बदतमीजी करी। मुझे पता नहीं था वो
आईएएस ऑफिसर हैं। अरे तो तुम्हें पता ही क्या होता है, तुम हर चीज में गड़बड़ कर देती हो। तुम्हारी वजह से कितना मैंने अपने मम्मी पापा से भी लड़ाई कर ली थी। मैं ना तुमसे नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं बोल रही हूँ पहले हाथ उसने उठाया था, मैंने नहीं। तू चुप कर, मुझे पता है मेरी बीवी कितने पानी में है, और वैसे भी मैं तेरे माँ बाप से बात करूंगा, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, चली जाए यहाँ से।